सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में तुम लोगों को ये पता चलेगा कि डोरेमोन और शिनचैन को इंडिया में कुछ अवार्ड्स भी मिल रखे हैं। अब यार वो कौन से अवार्ड हैं और इनके साथ ही काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को पता चलने वाली है। सो उम्मीद है कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई तो तुम लोग खुद ही जानते हो कि तुम लोगों को क्या करना है। सो यार टाइम वेस्ट नहीं करते यार, करते हैं आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो यार तुम लोगों को ये बात पता होगी, निकलोडियन एक अवार्ड शो करता है जिसमें वो बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड देता है, और इसमें एक अवार्ड बेस्ट एनिमेटेड किड शो का भी होता है। सो यार ये अवार्ड हमारे डोरेमोन और शिनचैन को भी मिल रखा है। सो यार बात करें डोरेमोन की, तो यार डोरेमोन ने तो कमाल ही कर दिया था, और 2013 और 2015 में इंडिया में टेलीकास्ट होने वाला बेस्ट एनिमेटेड शो का अवार्ड जीता था। और यार वही बात करें शिनचैन की, तो यार शिनचैन तो उससे भी आगे निकला, और शिनचैन ने 2018, 2019 और 2020 लगातार 3 साल निकलोडियन किड्स चॉइस बेस्ट एनिमेटेड शो का अवार्ड जीता था, जो कि यार सही में काफी कमाल की बात है। अब यार उसके बाद काफी कमाल की चीज ये देखो कि यार जियान और सुनियम का भी सिजुका के ऊपर क्रश था, और उन्होंने सिजुका के साथ अपना फ्यूचर भी देख रखा था। तो यार ये देखो जियान ने कैसा फ्यूचर अपना सोचा था सिजुका के साथ, और सुनियम ने भी इमेजिन करा था, और सुनियम ऐसा इमेजिन कर रहा था। और शायद तुम लोग ये भी जानते हो कि डेकिसुकी ने भी सिजुका को फ्यूचर में जाके प्रपोज करा था, बट जो सिजुका थी उसने मना कर दिया था ये बोल के कि डेकिसुकी अपना काम खुद से कर सकता है और अपने आप को संभाल सकता है, तो उसको सिजुका की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात यार तुम्हारी फेवरेट थ्री मैजिकल स्वॉर्डमैन मूवी से एक बहुत बड़ी। सो अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है थ्री मैजिकल स्वॉर्डमैन, तो तुम लोगों को पता होगा कि नोबिता और डोरेमोन सपने में जाके लड़ाई कर रहे थे मूवी के मेन विलन ओडो रोमी से, डोरेमोन की गैजेट ड्रीम मशीन की मदद से। यार पूरी मूवी में हमें यही बताया जाता है कि वो जगह जो होती है जहाँ पर सारे दोस्त ओडो रोमी से लड़ाई करते हैं, वो असल में कोई रियल प्लेस नहीं, वो एक ड्रीम होता है। तुम्हें पूरी मूवी में यही यकीन दिलाया जाता है। बट अगर तुम लोग एक चीज गौर से नोटिस करोगे कि जब भी नोबिता उस ड्रीम में एंटर करता था, तो ड्रीम में जाते वक्त उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसे हो जाता था, बिल्कुल पिंक कलर का। और जब भी नोबिता ड्रीम मशीन की मदद से ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करता था, उस वक्त हमें ये पिंक एनवायरनमेंट देखने को मिलता था। अभी हर मूवी में तुम्हें बार बार यकीन दिलाया जा रहा था कि यार वो ड्रीम है जहाँ नोबिता जाके फाइट कर रहा है, बट मैं बोलूं कि यार वो ड्रीम नहीं था, वो सब कुछ रियल चीज थी, तो यार तुम लोग यकीन क्यों करोगे। सो तुम्हें याद होगी डोरेमोन की मूवी एनिमल प्लैनेट जो कि हिंदी में आ रखी है, तो यार उस मूवी में भी तुम्हें ये पिंक कलर की गैस दिखाई जाती है। उस गैस की मदद से कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, और वो एक फ्यूचर का गैजेट होता है। 22nd सेंचुरी में जब एनीवेयर डोर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो फिर लोग इसी गैस का यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यार हैरान की बात तो यह है कि आप लोगों को यही पिंक कलर की गैस दिखाई जाती थी जब भी यार डोरेमोन की मूवी थ्री मैजिकल स्वॉर्डमैन में जो नोबिता है वो अपने ड्रीम में जाया करता था। तो यार इसका सिंपली मीनिंग यही है कि नोबिता किसी ड्रीम में नहीं जाता था, वो असल में किसी और जगह पे ही जाता था, या फिर किसी और प्लेनेट पे जाता था। नोबिता की बॉडी तो रियल वर्ल्ड में रहती थी, बट शायद उसका माइंड को उधर ट्रांसफर कर देते थे। और यार इस चीज से तुम लोग ये भी कंफर्म कर सकते हो कि जो तोरीहो था, यार तोरीहो शायद इसी पिंक गैस की मदद से रियल वर्ल्ड और थ्री मैजिकल स्वॉर्डमैन की दुनिया में जा रहा था इस पिंक गैस की मदद से। और वैसे यार ये थ्योरी है, मुझे फुजिको फुजियो ने खुदा के ये चीज नहीं बताई, तो इससे गलत होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब यार उसके बाद ऑगी एंड द कॉकरोचेस नाम की सीरीज को तो आप लोग जानते होंगे, यार इस सीरीज का एक और नया वर्जन आने वाला है ऑगी एंड द कॉकरोचेस रिबूट के नाम से, और इसमें इसकी एनिमेशन क्वालिटी अलग है। और यार इस वाली न्यू सीरीज में हमें एक इंडियन कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम पिया है। अब देखते यार ये वाली सीरीज इंडिया में कब तक आएगी। वैसे पर्सनली बताऊं तो मुझे इसका एनिमेशन स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब यार उसके बाद अगर आप लोग आइस एज मूवी फ्रेंचाइज जानते हो जिसमें पहले से ही 5 मूवी रिलीज हो चुकी है, और उसके फैंस के लिए एक और न्यूज आ चुकी है, तो आइस एज की एक और मूवी आने वाली है। और इस मूवी का नेम है आइस एज एडवेंचर ऑफ बक वाइल्ड, और ये मूवी 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। यार हम लोग बात करते हैं काफी बड़े इंडियन रेफरेंस के जो कि हमें दिखा हो किसी बाहर की एनिमेटेड सीरीज में। सो यार मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा इंडियन रेफरेंस हमें फिनियस एंड फर्व की सीरीज में देखने को मिलता है, जो कि यार तुम लोगों ने डिज्नी चैनल पे देखी होगी। सो यार फिनियस एंड फर्व यूएसए बेस्ड सीरीज है, और कमाल की बात यह है कि हमें इसमें एक इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि यार काफी ज्यादा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, और उस कैरेक्टर का नाम है बलजीत। बलजीत इंडिया से है, और वो काफी अच्छी मैथ भी सॉल्व करता है। उसके बाद यार नोबिता का एक डर्टी सीक्रेट मैं बताना तो नहीं चाहता था, बट डोरेमोन के एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि यार नोबिता सिजुका के अलावा भी कुछ और लड़कियों को अपनी फ्यूचर वाइफ बनाना चाहता था। तो यार सबसे पहले तो थी ये वाली लड़की, तो यार इसके साथ भी नोबिता अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहा था, और उसके बाद यार दूसरी थी ये वाली लड़की। तो यार नोबिता को जैसा तुम लोग समझते हो यार वैसा नोबिता बिल्कुल नहीं है। तो यार नोबिता असल में कुछ और ही है, वो तो हिंदी डबिंग की वजह से आप लोग उसको समझ नहीं पाते, वरना यार नोबिता के तो बहुत सारे डर्टी सीक्रेट्स हैं। डोरेमोन की रीमेक मूवी जो कि 2022 में आने वाली है नोबिता लिटिल स्टार वॉर, उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है,
है जो कि रिलीज होने वाली है 4 मार्च को जापान में, और उसके अंदर हमें कुछ नए कैरेक्टर भी देखने को मिले हैं जैसे कि ये। सो ये मूवी टोटली तो रीमेक नहीं होने वाली है, बाहर तो मूवी आ रही है बट इंडिया में किसी न्यू डोरेमोन की मूवी को आए हुए 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। और यार ये सही में चीज काफी डिसअपॉइंटिंग है, और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी न्यू डोरेमोन की मूवी को आने में 1 साल से भी ज्यादा का टाइम इंडिया में हमें डिले देखने को मिला है। और यार कभी कभी तो ऐसा भी लगता है मुझे कि शायद इस साल कोई न्यू डोरेमोन मूवी हमें देखने को ही ना मिले। तो यार उम्मीद है कि तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो तुम लोग लाइक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय।